सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस ना करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। कहा जाता है कि यदि अर्जुन के पास धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो शायद ही महाभारत युद्ध को पांडव जीत पाते। दोस्तों, यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब सभी पांडव स्वर्ग जा रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग जाने से पहले भी हो चुकी थी। महाभारत में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन के पुत्र ने ही अपने पिता का वध कर दिया था और अर्जुन की मृत्यु पर माता गंगा मुस्कुराने लगी थी। तो आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। एक दिन महर्षि वेदव्यास जी और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। किरात, मलेच व यवन आदि देशों के राजाओं ने यज्ञ का घोड़ा रोकना चाहा, तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बभ्रुवाहन था। बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बभ्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बभ्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बभ्रुवाहन से यह बात कर रहा था उसी समय नागकन्या उलूपी भी वहां आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी बभ्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बभ्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बभ्रुवाहन भी उस समय तक घायल हो चुका था, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बभ्रुवाहन की माँ चित्रांगदा भी आ गई। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बभ्रुवाहन को भी होश आ गया। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वो भी शोक करने लगा। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती को पता चलती है तब दोनों मणिपुर पहुंचते हैं। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु से मुस्कुरा रही है। वहीं दूसरी तरफ अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर माता कुंती फुट फुट कर रोने लगी। कुंती को विलाप करते हुए देख देवी गंगा कुंती से बोली, हे माता, आप क्यों रो रही हो? तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। जिस प्रकार मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। जब भीष्म की मृत्यु हुई थी तब मैं भी ऐसे ही फूट फूट कर रोई थी और आज मैंने अपने पुत्र भीष्म का बदला ले लिया है, क्योंकि जिस बाण से बभ्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया है वह मेरे द्वारा ही उसे प्रदान किया गया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवी गंगा से कहते हैं कि अर्जुन ने तो बभ्रुवाहन के प्रहार को सिर्फ रोका था, स्वयं प्रहार नहीं किया था। अर्जुन ने तो उस दिव्य बाण से आपका मान बढ़ाया था। भगवान श्री कृष्ण के तर्क को सुनकर माता गंगा भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को जीवित करने का उपाय बताती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।